हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ऑल अमेजिंग टिप्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे इम्यून बूस्टिंग काढ़ा, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है और इसे आयुष मंत्रालय ने भी जारी किया था। तो इस वीडियो में हम काढ़ा बनाना सीखेंगे। और फिर जैसे आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी इलाज निकल कर सामने नहीं आया है। तो इस वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें इसे काढ़े का सेवन डेली करना चाहिए, क्योंकि ये काढ़ा हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आप इस काढ़े को डेली बनाकर जरूर सेवन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी का एक टुकड़ा, और यहाँ पे मैंने एक बड़ी इलायची ली है, और मैंने यहाँ पे कुछ तुलसी के पत्ते लिए हैं, और एक इंच के करीब में अदरक का टुकड़ा लिया है, और एक तेजपत्ता, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज किया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लवंग, कुछ लौंग लिए हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ दाने लिए हैं काली मिर्च के। तो मैंने यहाँ पे 3 मेंबर के लिए बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक लेंगे फ्राई पैन, और अब हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी। तो हम यहाँ पे 3 मेंबर के लिए बना रहे हैं, और 1 कप जो पानी है हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी मेंबर के लिए आपको बनाना हो, तो इससे 1 कप एक्स्ट्रा पानी इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तब तक जो हम मसाले हैं काढ़े के लिए, जो मसाले रखे हैं उसमें से हम उन्हें कूट लेंगे। तो यहाँ पे जो काली मिर्च है और अदरक है, इसे हम कूट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अदरक को कूट लिया है, इसे भी डाल देंगे, और तेज़पत्ता को भी डाल देंगे, और मैंने यहाँ पे काली मिर्च को भी दरदरा कूट लिया था, तो इसे भी हम डाल देंगे, और लौंग को भी डाल देंगे, और फिर हम दालचीनी को भी डाल देंगे, और जो बड़ी इलायची है उसे हम खोल कर डालेंगे, और तुलसी के पत्ते को डाल देंगे, और फिर हल्दी को भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। और अब हम इसमें यूज करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमने यहाँ पे यूज किया है नमक। तो नमक जो है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो नमक स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक यूज किया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिश्री। तो फ्रेंड्स, मिश्री की जगह पे आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मिश्री यूज किया है, शुगर का यूज नहीं करना है फ्रेंड्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमें तब तक इसे पकाना है जब तक जो एक कप एक्स्ट्रा पानी जो मैंने यूज किया था इसमें, वो सूख ना जाए। फ्रेंड्स, ये जो काढ़ा है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने इसमें यूज किया है अदरक, और अदरक में फ्रेंड्स एंटी बैक्टेरियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हमें एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाते हैं, और सर्दी जुकाम में भी काफ़ी फायदेमंद होता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर यूज किया है तुलसी का पत्ता। तो तुलसी का पत्ता फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हमारे सर्दी जुकाम और श्वास नली के प्रॉब्लम को दूर करते हैं, और ये बुखार में भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं, और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। तो हमने इसमें जितने भी मसाले यूज किए हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं। तो ये जो काढ़ा है वो हो चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और फिर हम इसे कप में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस काढ़े का सेवन डेली कीजिए, काढ़े को बनाइए, और आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबको दीजिए, क्योंकि ये काढ़ा आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाएगा। और इसे आयुष मंत्रालय ने खुद ही बताया था कि ये काढ़ा इफेक्टिव है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में। तो आप चाय और कॉफ़ी पीने के बजाय इस काढ़े का सेवन कीजिए, क्योंकि ये काढ़ा जो है वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। तो फायदे की दृष्टि से इसे ज़रूर पीना चाहिए फ्रेंड्स। और अभी का जो समय चल रहा है, इस समय अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस काढ़े को ज़रूर पीजिए डेली, और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाइए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, जितना हो सके सावधानी बरतिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में घंटी को भी दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।